समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। स्मरण रखो, यह आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्मृति होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी धनराज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। संसार भी तो देखे कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। यदि विजय तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का सिंहासन कुमार युधिष्ठिर का, परंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम दोबारा हस्तिनापुर की ओर मुख नहीं करोगे। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। तो हम कहां पीछे हटने वाले हैं? युद्ध अभी हो। बस, राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज सभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं। तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराकरण के मध्य बोलना अनुचित है। गंगा पुत्र, श्री कृष्ण गोविंदा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
कुछ अनुचित नहीं कहा? कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा? मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगा पुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है, किसका अहित, ये तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगा पुत्र। यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है? हम सब अपना चयन करते हैं गंगा पुत्र, और उसके लिए उत्तरदायी भी स्वयं होते हैं। इस सभा में उपस्थित ऐसा कौन है जिसने अपना चयन ना किया हो? आपने एक प्रतिज्ञा का चयन किया। महारानी गांधारी ने सदैव अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखने का चयन किया। गांधार नरेश शकुनी ने अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहने का चयन किया। महात्मा विदुर सत्ता और सिंहासन से दूर रहकर सिंहासन की सेवा करने का चयन किया, और महाराज धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य के स्थान पर पुत्र प्रेम का चयन किया। यदि सबका चयन उचित है तो कर्ण के अपने मित्र के समर्थन के चयन पर प्रश्न क्यों? पांडवों की अपनी माता का आज्ञा का पालन करने के चयन पर प्रश्न क्यों? द्रौपदी के पांचों पांडव को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। क्या हुआ बुआ, आप उदास हैं? उदास नहीं, चिंतित हूं। कृष्ण, क्या मैं अकेली हूं जो ये युद्ध नहीं चाहती? नहीं बुआ, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा।
जब वन में महाअग्नि लगी हो और एक वृक्ष को छोड़कर शेष चलना चाहे तो अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है, उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र। पुत्र, मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ। किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं, कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है। चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके, कदाचित कल के द्वंद के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र, तो इस नाते तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का।
बाध्य पालन के लिए आया हूं, अधिकार पाने नहीं। जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र के विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र, सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी और भक्त भी, क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता परंतु विभाजन? क्या यही एक समाधान? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था विदुर, वासुदेव जैसा विद्वान और बुद्धिमान विभाजन का सुझाव देता है। यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं गंगापुत्र, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि परिवार को बांटना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब परिवार के कुछ सदस्य शेष का विनाश चाहने लगे। मैं कह चुका हूं मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पुत्रों को एक रखने में सक्षम हूं। क्षमा चाहूंगा गंगापुत्र, परंतु ऐसा हो चुका है वो भी आपके जीवित होते हुए, और रही बात आपके विश्वास की तो वो लाक्षाग्रह की अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? दुर्योधन और शकुनी ने पुरोचन से वारणाव्रत में जो भवन बनवाया था वो भवन लाक्षाग्रह था। वो पांडवों को भेंट देने के लिए नहीं अपितु पांडवों को अग्नि की भेंट चढ़ाने के लिए था गंगापुत्र। मुझे विश्वास नहीं। तो आप महात्मा विदुर से पूछिए, यदि वो समय रहते पांडवों को सावधान नहीं करते तो आज आपके पांचों पौत्र जीवित नहीं होते। वासुदेव ठीक कह रहे हैं ताजश्री। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विदुर? आपको कष्ट होता ताजश्री, पांडवों की रक्षा मैंने कर ली थी,
परंतु सत्य जानने के पश्चात कौरवों की रक्षा आपसे कोई नहीं कर पाता। यदि कौरवों और पांडवों को साथ रखा गया तो मुझे खेद है गंगापुत्र, कहीं हस्तिनापुर स्वयं एक लाक्षाग्रह में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट कहिए वासुदेव। तो सुनिए, द्रोण शिष्य और परशुराम शिष्य दोनों पराजय स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही दोनों में युद्ध कौशल की कमी है, ना ही अस्त्रों का अभाव, तो निश्चित रूप से युद्ध भयंकर हो, एक को विजय मिलेगी, एक को वीरगति। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा, परंतु पांडवों और कौरवों के मध्य पैर समाप्त नहीं होगा गंगापुत्र। उनके ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि समाप्त नहीं होगी, कई लाक्षाग्रह सजेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर के प्रारब्ध में केवल युद्ध रह जाएगा, केवल रक्त रह जाएगा, केवल प्रतिशोध रह जाएगा गंगापुत्र। दो योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और संभवतः उनमें से एक ही लौट पाए। निर्णय आपका है गंगापुत्र। हमारा द्वंद आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, और ना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो, ना किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। कर्ण और अर्जुन द्वंद के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद प्रारंभ हो। द्वंद नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामा श्री। We'll be right back.
क्या हुआ ताज? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है यह द्वंद हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पे बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, विभाजन, विभाजन। विभाजन या बंटवारा, इसे सभी एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, परंतु बंटवारा तो हर स्थान पर होता है। जैसे एक स्त्री अपने प्रेम का बंटवारा करती है अपने पति और संतान के बीच, परंतु ये नकारात्मक नहीं। मन जुड़ जाए तब भी हम अपनी वस्तुएं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रसन्नता बांटते हैं, और मन बिखर जाए तब भी। अंतर है सोच का। प्रेम में बंटवारा सहयोग कहलाता है, और शत्रुता में इसे नाम देते हैं विभाजन। प्रेम में बांटना अस्तित्व को एक करना है, और शत्रुता में विभाजन का अर्थ है सीमाएं खींचना। परंतु जिस प्रकार कभी कभी महान शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कभी कभी संतोष से जीने के लिए विभाजन भी आवश्यक है। इस पात्र को देख रहे हैं, इसमें दरार आ गई है। अच्छा होगा कि इसके पकने से पूर्व इसे किसी और पात्र में ढाल दिया जाए। अन्यथा यदि ये पक गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे विभाजन तो तभी हो जाता है जब मन से एक दूसरे के लिए आदर समाप्त हो जाए। यद्यपि विभाजन एक विध्वंस है, परंतु नव निर्माण के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है।